वसीम मंटा तैयार, मेहराज सामना करेंगे इस बार। और ये पहली सफलता दिलाई वसीम मंटा ने, यार क्या जहां पर आसान से कैच लपका। गली क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ मेहराज के रूप में। केवल एक रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए मेहराज ने, और अब लौटते हुए निराश वापस पवेलियन। मेहराज के स्थान पर जाएंगे बल्लेबाजी के लिए। मेहराज के स्थान पर गए हैं शुहेब बल्लेबाजी के लिए। वसीम मंटा अपनी अंतिम गेंद लेकर तैयार शुहेब के लिए। शुहेब तैयार, तो पहला विकेट यहां पर गिरा मेहराज के रूप में गेंदबाज। वसीम मंटा ने सफलता दिलाई अंपायर के ऊपर से 6 रनों के लिए, रनों की संख्या को बढ़ाते हुए यहां पर 13 रन। अभी भी अंतिम गेंद आना बाकी है और फ्री हिट मिलेगा। ज्यादा समय ना ले दोनों ही टीम के खिलाड़ी, और अंपायर से कोई आर्गुमेंट ना करे। अंपायर का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा, दोनों ही टीम को मानना होगा।
गेंद लेकर वसीम इस बार अच्छी गेंद और इस बीच यहां पर रन जरूर मिला था चूके यहां पर फोर थ्रो के रूप में ये रन मिलता हुआ एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 14 रन तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 11 का 14 रन एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज मेहराज केवल एक रनों का योगदान दिया यहां पर। और अब आए हैं गेंदबाजी के लिए अमान शेख का सामना करेंगे शोहेब दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए अमान शेख इनका निकनेम अमान लाला ऑल ओवर महाराष्ट्र में काफी बड़ा नाम अमान शेख वसीम शेख वसीम मंता परवेज खान इमरान तो ये बड़े प्लेयरों के नाम राजू ताकवाले अमान चले शुएब के लिए ये अच्छी गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी पुल करना चाहते थे लेकिन नतीजा यहाँ पर शॉर्ट गेंद तो अच्छी शुरुआत अमान शेख की ओर से दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एनसी फाइटर्स पहले ओवर में वसीम मंटा ने 14 रन खर्च किए थे जिसमें एक चौवा और एक छक्का लगाया था इस बार पटकी हुई गेंद केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 15 रन एक विकेट के नुकसान पर एनसी फाइटर्स बंद करो तो रन संख्या है 15 रन दूसरा ओवर प्रगति पर है गेंदबाज है अमान शेख और उनका सामना करेंगे शोहेब एक मैक्सिमम लगा चुके अब तक अपनी पारी में साथी अच्छी गेंद अमान शेख की शानदार गेंदबाजी करते हुए अमान शेख और उनका सामना कर रहे हैं शोहेब तैयार बार कदमों का इस्तेमाल किया था गेंद थोड़ी नीचे रही है और डॉट गेंद करने में कामयाब अमान शेख मैच के आउटफील्ड अंपायर लाइक अंसारी सर और उनके साथ में स्क्वायर लाइक अंपायर पर यूनिवर्सल
इस टूर्नामेंट को जो यूट्यूब के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है एक्सपर्ट लाइव टीवी के माध्यम से, जिसके डायरेक्टर मिस्टर एहसान शेख सर ड्राइव किया ऑन साइड में खिलाड़ी वहां पर मैच का जो आपको देखा जो आप सभी दर्शक सुन रहे हैं, मैं आजम खान आपका चहिता कमेंटेटर और हमारा निक नेम है अपाश पाश, एक पॉपुलर नाम हमारा। मान गेंदबाजी के तैयार समीर शेख की बाहर की भी गेंद थी, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कैच किया और बॉटन बोल्ड हुए यहां पर शेख समी। तो दूसरे विकेट का पतन यहां पर चलता हुआ बॉस 11 को 16। रनों पर ये दूसरा विकेट गिरता हुआ और अब शेख समी के स्थान पर जाएंगे नेक्स्ट बैट्समैन शेख फसी, जो शेख समी के छोटे भाई। काफी दर्शक यहां पर इस मैदान पर आए हुए सभी दर्शकों का हम कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, जो अपना कीमती वक्त निकालकर इस मैदान पर जमा हुए हैं। धीरे धीरे बॉस 11 का स्कोर 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद, केवल ये 4 ओवर का मैच यहां पर रखा गया है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए हेंसी फैटर्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के लिए और काफी हद तक सफल भी हुए। 2 ओवर समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बॉस 11 अगले गेंदबाज वसीम शेख और उनका सामना करेंगे शोएब। पहली गेंद खेला उसे खिलाड़ी वहां पर मौजूद अमान शेख और आसान सा कैच लगता शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में और वसीम ने सफलता दिलाई। तीसरी विकेट का पतन चलता हुआ शोएब के रूप में बॉस 11। शोएब ने 8 गेंदों का सामना किया और 8 रन यहां पर 8 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, इसमें 1 मैक्सिमम शामिल। पहली गेंद पर यहां विकेट प्राप्त किया वसीम शेख ने। शोएब के स्थान पर गए हैं परवेश, काफी उम्मीदें उनके कर्णधार को परवेज और फसी से, देखने कितने रन यहां पर जोड़ते हैं स्कोर बोर्ड पर। तो काफी मजबूत टीम हेंसी
फाइटर्स। ज्यादा समय ना ले इस मैच के आउटफील्ड अंपायर लाइक अंसारी सर, स्क्वायर लेग अंपायर मुनव्वर सर तो काफी कड़ी मेहनत करते हुए इस टूर्नामेंट में गति से चकमा दिया, पुल करना चाहते थे, टप्पा पड़ने के बाद स्किट भी गेंद और बाकी के काम विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया, लौटाया अपने अन्य खिलाड़ी के हाथों। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में वसीम, डॉट गेंद करने में कामयाब, प्रयास जरूर कर रहे हैं खुशी बड़े हिट लगाने के लिए। तीन छक्के की बड़ी गेंदबाजी करते हुए वसीम शेख और उसके बाद जो पहला सेमीफाइनल जो मैच होगा गोल्डन शायर पीएमआई गुड्डू फैन क्लब के बीच। आज के दिन और ये बेहतरीन स्ट्रोक एक रन मिलेगा केवल, एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 17 रन सिम ने अपने चार गेंदों में एक विकेट लिया और एक रन खर्च किया। काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए तो आज 15 अगस्त का दिन देश की आजादी का दिन और दर्शकों में काफी उत्साह दिखता हुआ आज के दिन मेगा फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का, सिलेक्टमेन ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो 3 days यानी 3 दिनों में ये सीरीज रखी गई है। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक धीमे खेला मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से तो कसी के बल्ले से ये मैक्सिमम निकलता हुआ इसमें 6 रन के साथ करते हुए 23 रन। सिम ने 4 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया था और काफी शानदार स्ट्रोक लगाया। फसी ने वी में खेला हुआ ये शॉट मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले, ये लगाया शॉट और 6 रनों के लिए मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से फसी के बल्ले से निकलता हुआ पहला मैक्सिमम इस इनिंग का दूसरा और इस 6 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बॉस 11। सूर की अंतिम गेंद वसीम शेख की 5 गेंदों में 7 रन खर्च किए वसीम ने और एक सफलता हासिल की, शोहेब को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वसीम चले फसी के लिए, इस बार अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्ड 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बॉलर को
लगभग 1K47 और गेंदबाज अनिकेत। पहली इनिंग का अंतिम ओवर, चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अनिकेत और उनका सामना करेंगे बसी शेख। मैच का आउटफील्ड अंपायर लेक अंसारी सर है, साथ दे रहे इस पर लेक अंपायर की भूमिका में मुनव्वर सर। अनिकेत चले फंसी के लिए, इवी गेन और यहां पर ये चाहता विकेट गिरता हुआ फंसी के रूप में, तो पहली गेंद पर आने के इतने सफलता दिलाई और अपने लिए पहला विकेट और टीम के लिए चौथा विकेट यहां पर गिरा फंसी के रूप में। और फंसी के स्थान पर जाएंगे नेक्स्ट बैट्समैन रिजवान। चौथा ओवर प्रगति पर है और गेंदबाज अनिकेत और अनिकेत का सामना करेंगे पहली मर्तबा रिजवान। और गति से चकमा दिया, तेज गेंद की कोई गलती नहीं की विकेट कीपर अमान शेख, तो डॉट गेंद करने में कामयाब। और अभी भी चार गेंदों में देखना है कितने रनों का योगदान देते हैं रिजवान और अपनी टीम के स्कोर को कितना यहां पर टारगेट रखती है बॉस इलेवन। पट्टी भी गेंद खिलाड़ी वहां पर वसीम, अच्छा कैच यहां पर लपका वसीम मंठा ने, तो पांचवा विकेट गिरता हुआ रिजवान के रूप में, तो शून्य पर आउट होकर लौटते हुए निराश रिजवान। तो पांचवा विकेट यहां पर गिरा 24 रनों पर बॉस इलेवन का। और अब अगले बल्लेबाज नफीस, और इस बार अंपायर का इशारा, अतिरिक्त रन आता हुआ ये वाइट के रूप में, नेक्स्ट टाइम को छोड़ती हुई गेंद किसी अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 25 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये चौथा और अंतिम ओवर अनिकेत के रूप में चलता हुआ। इस बार ग्रीन बोल्ड किया तो अंदरूनी किनारा लिया बल्ले का और आउट हुए यहाँ पर प्रवेश। प्रवेश ने भी अपना खाता नहीं खोला यहाँ पर प्रवेश खान, छठा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ बॉस इलेवन का। तो एक अच्छा निर्णय यहाँ पर टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का हेंसी पैटर्स के करना था। राजू ताकवाले और अब जा रहे अगले बल्लेबाज नासिर। तो अभी भी इस पहली इनिंग की दो गेंदे आना शेष, नासिर पहली मर्तबा सामना करेंगे अनिकेत 1K47। बार पट्टी गेंद खेला उसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इनिंग का ये निकलता हुआ रन संख्या 6 रन के साथ 31 रन, अभी भी अंतिम गेंद आना शेष।
अनिकेत 47 की इंडिया से खिलाड़ी वहां पर गेंद को उठाते फील्ड करके थ्रो करते और इस बीच रन आउट यहां पर हो गए तो केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन की वजह से रन संख्या आगे बढ़ती है 32 रन पारी की समाप्ति हुई यहां पर तो 33 रनों का लक्ष्य दिया यहां पर हैंसी फाइटर्स ने फाइटर्स को बॉस 11 रन कर ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो 3 दिनों का जो टूर्नामेंट रखा गया यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया था और आज अंतिम दिन टूर्नामेंट को जो YouTube के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है एक्सपर्ट लाइव टीवी के माध्यम से जिसके डायरेक्टर मिस्टर शिव केसान भाई और जो कमेंट्री जो आप सभी दर्शक जो सुन रहे हैं मैं आपका चहेता कमेंटेटर आदम खान और अब्बास ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट 2021
स्पर्धा जो बनाई गई है, तो सभी कमेटी मेंबर्स की जानिब से मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। सभी देशवासियों को जो यूट्यूब के माध्यम से आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं पूरी कमेटी की ओर से। तो चलते हैं मैच की ओर। पहला और ये 14 क्वार्टर फाइनल आज का एनसी फाइटर्स और बॉस इलेवन के दरमियान। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बॉस इलेवन ने 4 ओवर का सामना किया और 33 रनों का लक्ष्य रखा कलीम बॉन चले। और यह है अनिकेत एक रन जरूर मिलेगा। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए वसीम शेख लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और अनिकेत AK-47 एक रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर एनसी फाइटर्स। मैच के आउटफील्ड एम्पायर लाइक अंसारी सर साथ दे रहे स्कोर लाइक एम्पायर मुनवर सर। कलीम बॉन्ड है गेंदबाज तैयार अनिकेत इस बार मोड़ दिया उसे एक रन जरूर मिलेगा। एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 2 रन पावर प्ले केवल 1 ओवर का पावर प्ले दिया जाएगा। तो हल्की हल्की बारिश तो सभी दर्शक बारिश का मजा और इस मैच का मजा लूटते हुए और इस बार खेल दिया खिलाड़ी वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करते लौटा के तब तक 2 रन यहां पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 4 रन बिना कोई नुकसान के एनसी फाइटर्स। एक अच्छी शुरुआत एनसी फाइटर्स की ओर से और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक पहला मैक्सिमम यहां पर इस गेम में अनिकेत AK-47 के बल्ले से ही निकलता हुआ पहला मैक्सिमम और इस 6 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन बिना कोई नुकसान के एनसी फाइटर्स। तो काफी महंगे साबित होते हुए कलीम बॉन गेंदबाज बार पक्की भी गेंद थी पुल किया खिलाड़ी वहां पर सुफियान अहमद तैयार मैच छूटा यहां पर मानो मैच छूटा। तो काफी शानदार बल्लेबाज है अनिकेत इस एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 11 रन डबल अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर एनसी फाइटर्स का 11 रन बिना कोई नुकसान। तो पारी का पहला ओवर है और गेंदबाज है कलीम बॉन्ड और अब उनका सामना करेंगे वसीम शेख लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। तो फील्ड को थोड़ी सी सजाते हुए गेंदबाज कलीम बॉन्ड वसीम शेख के लिए बार अच्छी गेंद ये वसीम शेख के रूप में पहला विकेट। तो वसीम शेख आउट हुए शून्य पर 11 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर एनसी फाइटर्स का यहाँ पर बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वसीम शेख बिल्कुल अंपायर को कोई यकीन ही नहीं था कि बल्ले का किनारा लिया और वसीम शेख को पता था कि ये बल्ले से छूकर गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में और लौटे शून्य के स्कोर पर वसीम शेख। तो शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वसीम शेख पवेलियन की ओर आते हैं।
और अब जा रहे हैं नेक्स्ट बैट्समैन अमन शेख वसीम के स्थान पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 11 रन, हेंची पैटर्स का एक विकेट के नुकसान। तो अभी भी 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए हेंची फाइटर्स को। और अब अगले गेंदबाज शोहेब को लाया गया है कलीम बॉन्ड के स्थान पर। तो कलीम बॉन्ड ने अपने एक ओवर में 11 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण विकेट यहां पर प्राप्त किया वसीम शेख के रूप में। वसीम शेख अपना खाता नहीं खोल सके इस मैच में। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और सेमीफाइनल का जो मुकाबला होगा वो छत्रपति शिवाजी से भिड़ेगा। इस मैच का विनर जो होगा, आज का जो पहला सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा नाजिया गोल्डन शायर के बीच और उनके विरुद्ध होंगी EMI गुड्डू फाइन क्लब। तो दर्शक यहां पर धीरे धीरे जमा होते हुए तो लगभग यहां पर दर्शक 15,000 से 20,000 इस मैदान पर। शोहेब चले अनिकेत के लिए खेला, उसे खिलाड़ी वहां पर मौजूद और शानदार कैच लिया, दूसरा विकेट गिरा यहां पर अनिकेत 1-47 के रूप में। 11 रनों पर यह दूसरा विकेट गिरता हुआ हेंची फाइटर्स का पहली सफलता हासिल की शोहेब ने। तो अभी भी 17 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए हेंची फाइटर्स को। और यदि मैच जीतना है बॉस 11 को तो विकेट चटकानी होंगी हेंची फाइटर्स की। और अब अनिकेत के स्थान पर जाएंगे आसिफ जाबिर। आपके कानों में गूंज रही है बिल्कुल रेलवे स्टेशन से करीब ट्रेन की आवाज, ट्रेनों की आवाज के गूंज यहां पर अभी अभी जो सुनाई दी। तो चलते हैं मैच की ओर। शोहेब गेंदबाजी के लिए तैयार, उनका सामना करेंगे अमन शेख। बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला लेकिन ऑन साइड में खिलाड़ी वहां पर रिजवान फील्ड करते हैं गेंद को लौटाते। केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 12 रन दो विकेटों के नुकसान पर हेंची फाइटर्स। शोहेब चले आशीष पर शरीर से टकराई और अपील में विश्वास ज्यादा और उत्साह कम नजर आया। मना किया वहां पर नकार अंपायर लाइक अंसारी सर ने। तो काफी बेहतरीन मैचेस यहां पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे। आने वाले जो मैचेस होंगे दोनों दो सेमीफाइनल और फाइनल मेगा फाइनल होगा आज ही के दिन। तो दर्शक बिल्कुल ग्राउंड में यहां पर खचाखच भरते हुए। और इस बार अच्छी गेंद मिश्रण की अपनी गेंदबाजी में, स्लोवन गेंद की थी समझ नहीं सके और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया लेकिन अपने घर सुरक्षित वहां पर बल्लेबाज आसिफ जागीरदार। काफी अच्छी और कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज शोहेब 4 गेंदों में केवल 1 रन खर्च किया जो अमन शेख के बल्ले से निकला हुआ
रन मिला जो शोहेब उनका सामना करेंगे आसिफ जागीरदार। और इस बार गुगली की और चकमा दिया के बल्लेबाज आसिफ जागीरदार को आउट किया, वहां पर स्टंपिंग किया, एक शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए नासिर तीन गेंदों का सामना किया यहां पर आसिफ जागीरदार ने और कोई रन नहीं बनाए और स्टंप आउट हुए। दर्शकों में काफी उत्साह यहां पर दिखता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज परवेज खान शानदार ऑलराउंडर फैंसी फाइटर्स के लिए इस टूर्नामेंट में एक अपनी छुट्टी टीम बी एफ सी करना था। परवेज खान दर्शक काफी हिम्मत अफजाई करते हुए गेंदबाज गुजरात के गेंदबाज नाजिम गुल्ली कॉपी करते हुए इस मैच में शोएब गुल्ली यहां पर उनको निकनेम यहां पर दर्शकों ने गिफ्ट यहां पर दिया इस 15 अगस्त के दिन देश की आजादी का दिन और एक बड़ा नाम का लखब शोएब को शोएब गुल्ली यहां पर सभी दर्शक आवाजें निकालते हुए इस बार अच्छी गेंद गेंद हवा में खिलाड़ी उसके नीचे और यहां पर आसान सा कैच यहां पर छूटा तो जीवन दान यहां पर परवेश खान को इस एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर हैंसी फाइटर्स तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन केवल 2 रन खर्च किए और एक विकेट यहां पर बड़ा विकेट प्राप्त किया शोएब ने। और अगले गेंदबाज मेहराज उनका सामना करेंगे परवेश खान ड्राइव किया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया अच्छी वापसी 11 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता तो मैच यहां पर काटों का यहां पर मैच चलता हुआ तो शानदार गेंदबाजी अच्छी वापसी यहां पर बॉस 11 की उसे खिलाड़ी वहां पर मौजूद रिजवान फील्ड किया लौटाया एक रन जरूर मिलेगा इस एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 14 रन हैंसी फाइटर्स तो पहले ओवर में 11 रन जरूर खर्च किए थे लेकिन अच्छी वापसी वहां पर शोएब ने दिलाई केवल 2 रन खर्च किए अब तीसरा ओवर प्रगति पर है गेंदबाज है मेहराज लेफ्ट आर्म तुरंत विकेट मारा करेंगे और अब उनका सामना करेंगे अमान शेख मैच को आउटफील्ड अंपायर लाइक अंसारी सर अरुण स्कोर लेक अंपायर पुनावर सर पन्ने का अंदरूनी किनारा लिया और एक रन जरूर मिलेगा तो एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर हैंसी फाइटर्स अभी भी 9 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए तो गेंद और रनों में डबल अंतर और इस बार गेंद शरीर को टकराई रन लेना चाहते थे मना किया अमान शेख ने उनको उठाते नासिर विकेट कीपर मना किया वहां पर अमान शेख ने तो
अभी भी 8 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता, तो 3 मैक्सिमम लगाने होंगे और उतने ही डॉट गेंद करने होंगे बॉस 11 को। अच्छी वापसी यहाँ पर, और इस बार ड्राइव किया सीधे बल्ले से शोहे, वहां पर मेरा क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। अच्छी थ्रो, अच्छा रिटर्न किया यहाँ पर 1 रन की मदद से, रन संख्या आगे बढ़ते हुए 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर हैंची फाइटर। तो 7 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता, और अब यहाँ पर दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद जड़ों में डाल दी, गेंद कोच के निकाला खिलाड़ी वहां पर रिजवान, फील्ड किया। इस बीच वहां पर एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या है 17 रन, तो 6 गेंदे और 16 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। बोलो ना, पैकेज अच्छा मिला तो फिर क्या बोलते हैं। और अब यहाँ पर मेराज के स्थान पर सुफियान अहमद, और अब उनका सामना करेंगे परवेश खान। 6 गेंदे 16 रन, तो बिल्कुल यहां पर दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला ये मैच। ड्राइव किया खिलाड़ी वहां पर मेराज, और शानदार कैच यहां पर, तो बेहतरीन कैच, परवेश खान यहां पर आउट होकर लौटेंगे। कोई गलती नहीं की, काफी दूर से दौड़ लगाई मेराज ने और आसान सा कैच यहां पर बनाया। ये 4th विकेट यहां पर गिरता हुआ परवेश खान के रूप में। तो 5 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता, तो दिलों की धड़कन यहां पर तेज होते हुए दर्शकों की, और कमजोर दिल वाले बिल्कुल यहां ना रुके और अपने घरों का रुख कर ले। तो दर्शक यहां पर धीरे धीरे बढ़ते हुए, तो जो YouTube के ऊपर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है एक्सपर्ट लाइव टीवी के माध्यम से, इसके डायरेक्टर मिस्टर एहसान शेख साहब, तो काफी कड़ी मेहनत करते हुए बेहतरीन टूर्नामेंट, ये लक्ष्मी ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो 3 दिनों के लिए रखा गया था, 15 अगस्त आज का दिन अंतिम दिन, काफी खुशियों का दिन, देश की आजादी का दिन। तो सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम और देश की आजादी पर ढेर सारी बधाइयां। बार पुल किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हैंची फाइटर्स। अभी भी 4 गेंदे और 15 रन बनाने होंगे ये इस मैच को जीतने के लिए। अब इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, तो मैक्सिमम यहां पर लगाने होंगे, बड़े हिट लगाने होंगे इस मैच को जीतना हो तो हैंसी फाइटर्स को। दर्शकों में यहां पर उत्साह बढ़ता हुआ, और इस बार ड्राइव किया और इस बीच शानदार कैच, तो इमरान फॉलो आउट हुए यहां पर। इस ओवर में दूसरी सफलता और दूसरा कैच लगातार यहां पर मेराज ने रखा, तो इस
शानदार कैच यहां पर लगता मेहराज ने और दूसरी सफलता हासिल की सुफियान अहमद ने। 18 रन पे ये पांचवा विकेट यहां पर गिरता हुआ। तीन गेंदे 15 रन तो लगभग यहां पर प्रति गेंद पर 5 रन बनाने गए। मैंने तीनों ही मैक्सिमम लगाने होंगे इस मैच को जीतना हो तो बिल्कुल ये डिसाइडेड गेंद होंगी। चौथी गेंद सुफियान अहमद की, यदि इस गेंद पर सिक्सर लगाते हैं तो मैच में कुछ हद तक वापसी हो सकती है हेंसी फाइटर्स की। तो एक शानदार गेंदबाजी करते हुए सुफियान अहमद चले अमान शेख। बीच यहां पर थोड़ी सी फील्ड सजाते हुए और आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं कमेटी की ओर से। सुफियान अहमद उनका सामना करेंगे अमान शेख। और इस बार ड्राइव किया मिडाउन क्षेत्र में खिलाड़ी, वहां पर 2 रनों की मांग जरूर की और 3 रन भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, तो 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 30 रन, 2 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। और इस बार अतिरिक्त यहां पर रन मिलेगा तो वापसी हो सकती यहां पर एनसी फाइटर्स की। इस अतिरिक्त रन के साथ मिलेगा 1 रन तो टोटल 2 रन मिलेंगे। तो 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदे बची है 2 और जीत के लिए 11 रन दिक्कत यहां पर हेंसी फाइटर्स को। तो दोनों ही गेंद पर मैक्सिमम लगाने होंगे, बड़े हिट लगाने होंगे और 6 रनों में तब्दील करने होंगे अपने स्ट्रोक को। अमान शेख कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल कमजोर दिल वाले यहां ना रुके। 2 गेंदे 11 रन और सामने है अमान शेख। 12 अच्छी गेंद डॉट गेंद करने में कामयाब, तो मैच को यहां पर अपने हक में किया। 1 गेंद और 11 रनों की आवश्यकता। काफी उत्साह यहां पर दिखता हुआ। सुफियान अहमद 1 गेंद और 11 रनों की आवश्यकता। और इस बीच अतिरिक्त यहां पर आता हुआ 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए 23 रन। यदि इस गेंद पर 9 बॉल गिरती है और मैक्सिमम लगता है तो कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैक्सिमम लगाया, देखना है कैच, शानदार कैच यहाँ पर आउट हुए। 23 रन पर 6 विकेट गिरा तो मैच समाप्त हुआ और 10 रन से ये मैच जीता यहाँ पर बॉस 11। तो बधाई देते हैं हम और हार्ड लक कहेंगे एनसी फाइटर्स को। तो मिलेंगे यहाँ पर शॉर्टली ब्रेक के बाद, लग दिए देखिए।